भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। राष्ट्र के फूड मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये दुकान नंबर 217 भिवंडी में है और यहाँ के लोगों से सिर्फ अंगूठा लिया जाता है और बाकी राशन को ब्लैक कर दिया जाता है। यहाँ जो है दलालों का राज चल रहा है और दुकान मालिक जो है बंद करके भाग जाता है। यहाँ का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ 5 महीने के बाद एक बार गेहूँ मिला था, उसके बाद फ्री वाला मिला ही नहीं। यहाँ दिन भर में दुकान बंद, 4-4 महीने हो जाते राशन नहीं मिलता। ये कार्ड में भी देखो ना कहाँ राशन मिलता है, कुछ भी नहीं, अंगूठा ना कुछ निकाल, मशीन निकाल के हम 3 महीने तक यहाँ खड़े रहे। आया के लिए बोलता है मशीन नहीं चालू है, मशीन नहीं चालू, वापस ले। अच्छा जो है आप हम लोग भी तो औरत है ना, घर का सारा काम करके यहाँ के लाइन लगा के खड़े होते हैं, बच्चे है बीवी सब है घर में, सबको देखना है हम लोग को। ठीक है, खाली राशन के लिए थैली ले लेके दौड़ना है हम लोग को। राशन दुकान में ना प्राइवेट आदमी एक भी नहीं रहना चाहिए, प्राइवेट आदमी सब ब्लैक करवा देते हैं, सरकारी आदमी रखो यहाँ पे। आज 5 महीने से नहीं मिला फ्री वाला, कल 3 बजे तक नंबर लगा के दुकान में चले गया, नहीं मिला, फिर इतनी बेला आए, इतनी बेला भी वही पोजीशन है, हमेशा ऐसा रहता है। सब गेहूँ ब्लैक हो जा रहा है, मिली नहीं जा, बोरा का बोरा सप्लाई हो रहा है। अच्छा अच्छा आप बोलो, बोलो आपको क्या तकलीफ है, मिल रहा कि नहीं यहाँ राशन? कहाँ से मिलता है, एक महीने चावल मिलेगा तो गेहूँ नहीं मिलता है, अभी तक तो रोकड़ा वाला गेहूँ नहीं मिला। नहीं मिला ना? हाँ। और किसको? आज ये पैसे वाला रहता है वो पूरा महीना कभी भी आके लेके जाओ, ऐसा रहता है। आ जाए नंबर लगाते चली जाती, राशन मिलता नहीं है, फ्री वाला तो बिल्कुल नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। नहीं, अच्छा। तो जिनसे नंबर लगा रहे नहीं मिला, नहीं मिल रहा है ना? हाँ। खाली दौड़ो इधर उधर आओ जाओ बोलता है ही नहीं है, फ्री वाला तो एकदम ही नहीं देता है, कभी चावल देता है। पार्टी का कार्यकर्ता राशन कार्ड ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट है कि दुकान पे जब से दुकान चालू हुई है जब से अब तक यहाँ पे शिकायत मिली है, यहाँ राशनिंग दुकान पर किसी को गेहूँ चावल बरोबर मिल नहीं पाता है, और कोई अगर लेने आता है तो यहाँ पे धमकियाँ दे करके गाली गुलूज दे करके हकाल दिया जाता है। राशनिंग ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ का लाइसेंस जब्त किया जाए, इनका कैंसिल किया जाए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। यहाँ देख रहा हूँ आगे सुबह से तो पूरी जनता का अफरा तफरी मचा हुआ है, जैसे मेला लगा हुआ है। जब से ये दुकान खुली है तब से प्रॉब्लम होता है, किसी को सामान मिल नहीं पाता है। आज 5 महीना से एक बार फ्री राशन मिला हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ जितने यहाँ के राशन कार्ड वाले बेचारे हैं सबसे पूछ लिया जाए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है राशनिंग ऑफिसर से कि आगे खुद चेकिंग करें और जनता से पूछें, जितने राशन कार्ड वाले हैं सब कार्ड वाले से पूछें क्या प्रॉब्लम चल रही है। राष्ट्र के फूड मिनिस्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये दुकान नंबर 217 भिवंडी में है और यहाँ के लोगों से सिर्फ अंगूठा लिया जाता है और बाकी राशन को ब्लैक कर दिया जाता है। यहाँ जो है दलालों का राज चल रहा है और दुकान मालिक जो है बंद करके भाग जाता है। मैं जो राशनिंग डिपार्टमेंट के जो आरओ हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये इस दुकान को 8 घंटे का जो अनुमति शासन की तरफ से दिया गया है कि 8 घंटा खुला रहना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ जो है अपने हिसाब से अपने टाइम से ये खोलता है, ये 8 घंटा भी नहीं खोलता, सिर्फ 2 घंटा खोलेगा फिर चले जाएगा। यहाँ के लोग जो है हमेशा जो है ये दुकान वाले से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोगों को जो है गाली गुलूज करके भगा दिया जाता है। एक दबंग लोगों का राज यहाँ चल रहा है। मेरा शासन से रिक्वेस्ट है कि इस दबंग लोगों को
के ऊपर कार्रवाई की जाए और 217 नंबर जो है दुकान नंबर है इसको सील किया जाए। यहाँ की जनता में आक्रोश पाया जा रहा है, यहाँ कुछ भी मामला हुआ तो इसका जिम्मेदार दुकान नंबर 217 होगा। यहाँ के लोगों को राशन नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ के लोगों से अंगूठा लिया जाता है और इसके बाद जो भी राशन होता है उसको ब्लैक कर दिया जाता है। यहाँ की जनता भीड़ लगा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ लोग जो है बोलने से भी डरते हैं दुकान मालिक से। 5 महीने से कहाँ मिला हम लोगों को राशन? 5 महीने से नहीं मिला हम लोगों को राशन, नहीं मिला ना 5 महीने से नहीं मिला। आकर तो बस अंगूठा ले देते नहीं। हाँ, पैसे वाला राशन मिलता है, उसके बाद राशन नहीं मिलता है। नंबर लगाते मिलता नहीं है, 2-3 दिन से लगातार लगा रहे, नंबर नहीं मिल रहा है। जिम्मेदार कौन है यहाँ का? अब यहाँ का जिम्मेदार कौन है? जब और राशन मिलते नहीं, लाइन लगाओ, बोले मशीन बंद है, जाओ। अब आखिर माल कहाँ जाता है? जिम्मेदार कौन है तुम बताओ? क्या बोला? कल माल भरा हुआ था, माल भरा हुआ था, माल गया का बटन नहीं गया का हुआ क्या? गोडाउन कैसे खाली हो गया भाई? अभी तू आगे बोला जब बंद किया ना, तू आगे बंद करवाया, तुमने आगे बंद करवाया दुकान, इसका फोटो ले। ये आगे ये बोला जब बंद किया दुकान, तुम आगे बोले जब दुकान बंद करके भागे, भी लाइसेंस जब्त होना चाहिए इसका भी और शिकायत आ रही है। आप आगे बोले जब जाके लोग बंद कर लो, क्या शिकायत? चल नहीं देगी, चल। अच्छा चलो, आ जाओ। नहीं मिला ना नंबर आ गया, बोले कि जो मैंने कार्ड वाला ब्लैक वाला एकदम खत्म हो गया, अब पैसा वाला मिलेगा। हम लोग का पैसा वाला दिया, वो पैसा ये वाला नहीं दिया, जो वाला फ्री वाला, हाँ फ्री वाला नहीं दिया। हाँ, जब आओ तब ऐसे ही नाटक करता है। हाँ, जब आओ दुकान बंद भी रहती है, जब आओ तो नंबर लगाओ क्या खत्म, मशीन बिगड़ गई, ये हो गया, हो गया क्या है? आज जो है आप किसी को कल दिया भी नहीं, तो फिर आधा वो खत्म कैसे हो गया? आज जो है कैसे खत्म होगा? कल क्या बोले? जुमा को मिलेगा, जुमा क्या सुबह नंबर लगा के थोड़ा आदमी दिया, थोड़ा और सबको चुतिया बना दिया, मशीन बिगड़ गई। खराब होने के बाद भी लोगों को ऐसे दे रहा था और राशन वाले को नहीं दे रहा था, ऐसा क्यों? वही ना, अब ब्लैक कर करके जो है खाली जो है चुतिया बनाते पब्लिक को, और अंगूठा लेता तो फिर देता क्यों नहीं? अब अंगूठा जो है लेता है तो जो है दुनिया का नाटक करता, क्या हम लोग क्या बोले? अब हमारे साथ हैं यहाँ शकीला आपा, जो बताएंगे कि एक कितने दिन से आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को जो है सिर्फ वापस जाना पड़ता, राशन वाले जो है सिर्फ जो है अंगूठा लेते हैं लेकिन उनको राशन नहीं देते हैं, ये शकीला आपा का कहना है। मैं इनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? पैसे वाला रहता तो दे देता है, और फ्री वाला रहता है तो ना गेहूँ देता है, चावल कभी किसी महीने में बोल देता है कि चावल है ले लो, गेहूँ तो एकदम देता ही नहीं है, और लाइन लगाओ फिर बोलता मशीन बिगड़ गई, बंद करके चला जाता है। अच्छा, ये जो है कल जो है पूरा गोडाउन भरा हुआ था, कल माल नहीं दिया तो फिर माल गया कहाँ? तो बेचता होगा, जब भी आओ तो यही बोलता, खोले रहता तो भी नहीं देता। एक मिनट, अभी असली रिपोर्ट मिली है कि दुकान पे जाकिर नाम का एक शख्स रहता है, ये जाकिर का काम है। अभी रिपोर्ट मिली है कि जाकिर के घर पे पूरा राशन भरा हुआ है और जाकिर की अम्मा जो है ब्लैक करती है, ये शिकायत दूर किया जाए यहाँ से। ये अनाम का आदमी जो है देखता हूँ महिलाओं को डांट डपेट के भगा देता है, कोई एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, क्या दिन भर यहाँ लाइन लगाए रहेगा? ये 2 घंटा सुबह खोलता है, उसके बाद बंद करके भाग जाता है और राशन गायब हो जाता है। अभी आया था राशन फूल था, कल मशीन बंद थी, आज मशीन बंद हुई कि दुकान बंद करके भाग गया, राशन खत्म हो गया। एक राशन कार्ड वालों को अभी मिला नहीं, पूरा राशन खत्म हो गया। इसीलिए अभी 10 ही बजे ही है, अभी 10 बजा है, अब नहीं शाम तक खोलेगा। साहब, इसकी निगरानी किया जाए, इसकी तफ्तीश किया जाए, इसकी इंक्वायरी किया जाए, अगर हकीकत है तो आप समझा जाए क्या इसका किया जाता है या क्या करना चाहिए। बंद करके
तीन चार बार आके देखो, खुल गया है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मिलता ही नहीं है। अभी फ्री वाला राशन आया है, अब ये दुकान बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, अब वो नहीं चल रहा है नेट। अब इसमें कितने लोग लाइन लगाएंगे, कितने लोग यहाँ पे हैं? अब दो तीन दिन आएंगे, दो तीन दिन के बाद राशन नहीं मिलेगा, गायब हो जाएगा यहाँ से। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ, यारी और मक्कारी हो रही है। इन मक्कारी को ख़त्म करना पड़ेगा, और मक्कारी ख़त्म नहीं करेंगे तो जनता हमेशा परेशान रहेगी। ये टोटल दुकान वाले की प्रॉब्लम है, ये दुकान वाले यहाँ हरामी बना चालू किए हैं। यहाँ देखिए भीड़, जनता आ कर रही है, जनता चिल्ला रही है, जनता को किसी की फिक्र नहीं है। ये राशन दुकान पे हमेशा ब्लैकमेल होता है, यहाँ गोनी का गोनी पार्सल होता है। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है। दुकान बंद करके दिन भर में तीन चार बार आओ, अगर मिल गया तो मिल गया। औरत नंबर लगाई थी मेरी, दो घंटे नंबर लगाई, नंबर रखा सक ही नहीं रहे, क्या मानूं कैसे। लोग बीच बीच में से घुस के चले जा रहे हैं। अच्छा।